अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप लोग अपनी प्लानिंग्स कर रहे होंगे इस हवाले से कि जो आप लोगों ने अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने हैं किसी भी मुल्क के लिए। तो मेरे इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए वीडियोस मिलती रहती हैं और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जर्मनी, यूके, स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड को लेके और कनाडा को लेके कुछ वीडियोज़ बनाऊँ जो आपको बेनिफिशियल लगें। तो आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, तो वो है जनाब डेनमार्क। तो हम आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो में हाउ टू गेट स्टूडेंट वीज़ा ऑफ डेनमार्क या हाउ टू गेट स्टडी वीज़ा ऑफ डेनमार्क। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या बांग्लादेश में और नेपाल में, तो चूँकि इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको, यानी इसको जानने के लिए, इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को पहचानने के लिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पूरी वीडियो देखें, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स, डेनमार्क एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड के लिए और बहुत से लोग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, हर साल यहाँ पर अप्लाई करते हैं स्टडीज़ के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने एक दफ़ा स्टडीज़ करनी है किसी मुल्क में, दो रीज़न होते हैं जब आप जाते हो स्टडीज़ करके, डिग्री लेके सेटल होकर जॉब करो। तो जॉब के हवाले से जब आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पे जाकर डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, बाद में आप जॉब करना चाहते हो, तो जर्मन में बहुत ज़्यादा अच्छे, तो डेनमार्क में बहुत ज़्यादा अच्छी वेजेस हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा है यूरोप के दूसरे ममालिक के निस्बत। अगर आप वैसे भी वहाँ पे रहते हो, डिग्री नहीं मुकम्मल कर पाते, तो उस बीच में भी आप काम करने की इजाज़त होती है, तो आप काम करके अपना गुजर बसर भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं मज़ीद इसको डिले किए बिना। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है उमर, मैं रहता हूं जर्मनी में और आपके लिए वीडियो लेके आया हूं आज स्टूडेंट वीज़ा ऑफ डेनमार्क को लेके। तो फ्रेंड, डेनमार्क में स्टूडेंट वीज़ा के लिए जैसे कि बाकी कंट्रीज़ की मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन कम्प्लीट होनी चाहिए, यानी आपको एक्सेस होना चाहिए आगे अपनी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए और आपको आगे एक्सेस होना चाहिए अपने मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन जो है वो मस्ट है, यानी 12 साल की स्टडीज़ 13 साल की स्टडीज़ इनिशियली मस्ट है। बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं 60-70% बैचलर प्रोग्राम हैं, उनमें आप तभी जा सकते हो जब आपके पास जो है वो एक ग्रेजुएशन हो, एक डिग्री हो, बैचलर्स हो, 14 साल की स्टडीज़ हो पाकिस्तान या इंडिया से। और अगर आप डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं जो कि हर लेवल पे हैं, एडवांस डिप्लोमाज हैं, तो फिर आप अपनी जो हर एजुकेशन सेकेंडरी तालीम है जो आपकी 12 साल की 13 साल की स्टडीज़ है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो हम इसमें बात करेंगे कि ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आपके पास अपनी क्वालिफिकेशन होना मस्ट है, यानी 12-13 साल की या 14 साल की। उसके बाद हम आगे बात करेंगे मज़ीद फर्दर कि जब आप डेनमार्क में पढ़ने जाते हो तो आपको जो कॉलेज चूज़ करना है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चूज़ करना है, वो आपने ऐसा चूज़ करना है जो कि बहुत ही अच्छा हो, बेहतरीन हो और आपको पता हो कि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। अगर वो गवर्नमेंट का है तो सबसे बेस्ट है, प्राइवेट है तो एक्रेडिटेड कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो। उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूँगा कि ऐसे कैसे चेक कर सकते हो आपके कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो हैं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। तो स्टडीज़ जब आपको करनी है तो फुल टाइम स्टडीज़ आप करेंगे तो फिर ही आप जा पाएंगे स्टूडेंट वीज़ा पे डेनमार्क, यानी आपकी जो स्टडीज़ हैं वो फुल टाइम होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद एक मज़ीद बात कि जब आप डेनमार्क में जाते हो तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करते हो कोपेनहेगन में या थोड़े बड़े सिटीज़ में, वहाँ पर थोड़ी सी फ़ी वगैरह ज़्यादा है। थोड़ी छोटी सिटीज़ में चूज़ करोगे तो आपको फ़ी शायद कम देनी पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कोर्सेज़ को लेके, तो आप कोर्सेज चूज़ कर सकते हो IT में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, मेडिसिन में लेके, साइंस में, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स है, लिस्ट ओपन है, आप किसी में भी एडमिशन लेके आगे अप्लाई कर सकते हो। जो मेडिसिन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये आती हैं, या डेंटिस्ट हैं उनको, कि उनको फर्स्ट जो है वो अपनी एंट्री टेस्ट वगैरह भी देने पड़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि आपको अक्सर का प्रॉब्लम्स में डालती है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि इसके बारे में मैं 3-4 वीडियोज़ और बनाऊँगा स्टडी इन डेनमार्क के बारे में, और इससे लेके मैं जो वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रिटन में मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें आपको मैं ज़ुबानी बता रहा हूँ जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट है मज़ीद फर्दर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, एक अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में एडमिशन के लिए, आपकी जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए। वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है, अगर आप इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन है शोली आपका वही होगा, उसी में आपने पढ़ना है, डेनिश में तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि डेनमार्क को लेके एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपको एक सेट असाइड स्कोर ऑफ आइल्स या टॉफल नहीं दिया गया, यानी ये छोड़ा गया है आपकी यूनिवर्सिटी पे या कॉलेज पे। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपके 4.5 बैंड्स भी एक्सेप्ट करता है या 5 स्कोर भी एक्सेप्ट करता है
आयल्स में, तो आपको जो एम्बेसी है वो उसके बारे में रिजेक्शन नहीं दे सकती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये जहन में रखें, जब आप आयल्स कर लेते हो अगर आपका स्कोर थोड़ा भी है तो स्पीकिंग अपनी जो है वो अच्छी करें, बेहतर बनाएं, क्योंकि जब आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होगा जो कि रेजिडेंस परमिट की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए आपके बायोमेट्रिक्स भी होंगे, यानी आपकी फोटो भी ली जाएगी कंप्यूटराइज, आपकी फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे, प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में होता है, तो काफ़ी लेंथी इंटरव्यू होता है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आयल्स में स्कोर कम है, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो उसके बावजूद आप अपनी स्पीकिंग अच्छी करें ताकि आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना हो। तो एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेंगे, जो कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपको उनके जहन में रखते जाएँ, यानी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर हो गया, उसके बाद आपका जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट और रिजल्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, जो आपके कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, ये मास्टर्स के हैं, ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशंस हैं, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हो गए जो आपने साथ लगाने हैं। उसके बाद फ़ी जो आपको पे करनी पड़ती है वो मुख्तलिफ है। लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बताऊं, इंडिया के बारे में, तो एक फ़ी होती है केस ऑर्डर आईडी, यानी आपने जो डेनमार्क अथॉरिटीज़ को पे करनी होती है गवर्नमेंट को, वो होती है ऑलमोस्ट 2,315 करोन्स। ये आपने कन्वर्ट कर लेने हैं अपनी करेंसी में, जैसे क्रोन का पाकिस्तान में रेट डेनिश क्रोन का ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ है, तो उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है कि 34-35 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट बनते हैं। उसके बाद एक आपने फ़ी देनी होती है जो एम्बेसी में सबमिट करनी होती है, जो इस्लामाबाद एम्बेसी में आपने देनी होती है, वो फ़ी है वो तकरीबन 22,500 बनती है। तो ये दो अलग से फ़ी हैं, तो ये ऑल टुगेदर आपको कॉस्ट करेगा ऑलमोस्ट, ये डेनमार्क का स्टूडेंट वीज़ा जो फ़ी के हवाले से है वो ऑलमोस्ट जो है 55-56 हज़ार, 55,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट सिर्फ फ़ी की मद में। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट को लेके, तो वैसे लोग जिनको तो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन फ़ी मैनेज करेगा उनका यूनिवर्सिटी या कॉलेज। वो लोग जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो फ़ी पे करेंगे, ए पार्ट ऑफ फ़ी या फिर फुल फ़ी पे करेंगे, उसके बाद उनको जो है वो एडमिशन लेटर मिलेगा। फिर आपने ये देखना है कि जो आपको डेनमार्क जब आप जाते हो, तो ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कवर कर दूँ कि उनको ऑलमोस्ट जो है वो 6,000 से 6,500 करोन्स जो हैं, एग्जैक्टली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इतने करोन्स आपको पर मंथ शो करने हैं, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि आपको 72,000 करोन्स जो हैं वो शो करने हैं अपनी एक साल के लिए, मैक्सिमम एक साल के लिए आपने अमाउंट शो करनी पड़ती है। बहुत फ़ायदा है, यानी अगर आपके 3 साल की डिग्री है तो आपको 3 साल के फंड शो नहीं करने, यानी आपको जो 72,000 करोन्स ऑलमोस्ट बन रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 13 लाख रुपये की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी है अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में, साथ आपने सबूत देने हैं कि आपको पैसे किसने दिए हैं, प्लस जो रिमेनिंग फ़ी है वो भी आपने डालनी है। लेट सपोज 13 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट है, फ़ी आपने फुल दे दी है, तो 13 लाख रुपये आपको शो करना है अपने बैंक अकाउंट में। उसके बाद अगर आप इंडिया में हैं तो यही रेट आप कम कर लें इसको, तकरीबन 8 लाख तक आप समझ लें, तो 1 साल के फंड्स आपने अपने अकाउंट में शो करने हैं। ये होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। पेरेंट्स भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और मीन्स ऑफ फंडिंग यानी बताना पड़ेगा ये पैसे कहाँ से हैं, ये जरूर आपने जहन में रखना है। तो फ्रेंड उसके बाद हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको जब आप वहाँ पे जाते हो वीज़ा मिलता है रेजिडेंस परमिट, तो उसके दौरान आपके राइट्स क्या हैं। राइट्स बहुत ज़बरदस्त हैं फ्रेंड्स, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, जी हाँ, पार्ट टाइम 20 घंटे आप काम कर सकते हैं पर वीक, बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग है ये, इस पर आपको लीगल काम मिलेगा और आप अच्छे पैसे बना सकते हो। उसके बाद आपको छुट्टियां होती हैं जून जुलाई अगस्त में, 3 मंथ्स की छुट्टियां हैं, उनमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो, सो दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी इन 3 मंथ्स में आप काफ़ी सारा अपना खर्चा निकाल लेते हो। उसके बाद लिविंग जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, डेनमार्क में चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं, जब आप वहाँ पर पार्ट टाइम काम करोगे आप आसानी से कमा लेते हो। उसके बाद एक मेन बात, जब आपका वीज़ा खत्म होता है, रेजिडेंस परमिट खत्म होता है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको मिलते हैं, जी हाँ, ऑल टुगेदर 6 मंथ्स एक जॉब फाइंड करने के लिए, यानी आपको 6 मंथ्स का वीज़ा एक्सटेंड करके दिया जाता है जॉब फाइंड करने के लिए। तो आप जॉब फाइंड करके अपना रेजिडेंस परमिट कन्वर्ट करवा सकते हो आगे वर्क परमिट में। उसके बाद ऐसे लोग जो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते या अपना डिप्लोमा, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिलती है, उसके ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलती, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन तभी मिल सकती है 2 साल तक, जब आप कोई लड़की हो, प्रेगनेंसी हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेन डिटेल्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप इसको लाइक करना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मजीद वीडियोस देखने के लिए तैयार रहना। थैंक्स अ लॉट गाइस, अगली वीडियोस तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, बाय बाय।